एनटीवी टाइम, जनता की बात, जनता के साथ। कल बड़ी ही धूमधाम के साथ में मनाया जाएगा हजरत बाबा सुलेमान शाह रहमतुल्लाह का उर्स मुबारक। प्रभात पट्टन से विजय बंजारे की खबर। कल दिन गुरुवार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा हजरत बाबा सुलेमान शाह उर्स मुबारक। हजारों की संख्या में हिंदू मुसलमान श्रद्धालु आकर बाबा से मन्नत मुरादी मांगते हैं और यहाँ पर मन्नत मुरादी बाबा की दुआओं से पूरी होती नजर आती है। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल माना जाता है। दरबार को कमेटी के द्वारा सजाया जा रहा है और यहाँ पर कल सूफिया कव्वाली का भी आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर कमेटी द्वारा तैयारी प्रारंभ है। नाम है आपका? साबिर कादरी जी। ये उर्स मुबारक जो हो रहा है हजरत बाबा सुलेमान शाह का, उसके बारे में बताइए। हजरत सुलेमान शाह औलिया रहमतुल्लाह अलैह का जुमेरात के दिन उर्स होता है, 12वें महीने के आखिरी जुमेरात का। यहाँ पर कव्वाली का प्रोग्राम कमेटी की, बहुत बड़े पैमाने पर कमेटी ने जो यहाँ पे डेवलपमेंट की है और कमेटी के सदस्य से अध्यक्ष को सबको मेरे तरफ से मुबारकबाद हो कि जो आपने इतना बड़ा यहाँ पे मंजर खड़ा किया है और यहाँ पे इतना बड़ा उर्स हो रहा है। बाबा सरकार यहाँ पे रहमतुल्लाह अलैह 11.5 साल पहले आए थे उन, और साबिर पिया जो हजरत साबिर पिया है, साबिर पिया ने बाद में हसन शाह साबरी को भेजा है यहाँ। ये बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग हैं यहाँ पर और ये औलिया है और यहाँ पे उर्स बहुत बड़े पैमाने में मनाया जाता है। यहाँ कौमी एकता की मिसाल है। कल मनाया जाएगा, कल मनाया जाएगा, यहाँ कौमी एकता की मिसाल है, कौमी एकता की मिसाल जी है। जी चलिए ठीक है, धन्यवाद। हाँ। दीजिए और उर्स मुबारक के बारे में जानकारी दीजिए। मेरा नमस्कार सभी मित्रों को, और मैं हूँ राजकुमार देशमुख, दरगाह कमेटी का अध्यक्ष हूँ मैं, और मेरे साथी लोग मेरे साथ में कंधे से कंधा मिला करके यहाँ काम कर रहे हैं। और हजरत सुलेमान शाह का जो उर्स, सालाना उर्स का जो कार्यक्रम होता है, वो कार्यक्रम हमारे यहाँ दिसंबर माह के आखिरी गुरुवार को होता है। उसमें तारीख निश्चित नहीं होती, जो भी तारीख आएगी, लेकिन वो अंतिम गुरुवार का दिन होता है। यहाँ पर बाबा साहब को चाहने वाले जो सभी समाज के लोग जो आते हैं, योगदान देते हैं, सभी लोग आते हैं, उन लोगों का एक दिन पहले से आना चालू हो जाता है। कार्यक्रम हमारा कल का है, 29 दिसंबर 2022 को, लोग आज से ही आ गए हैं और कुछ तो आज आकर के यहाँ रुकेंगे भी और उसका 3 दिन मजा भी लेंगे। हमारा भविष्य में प्लानिंग है कि हम लोग इसका उर्स कार्यक्रम को 3 दिन का करना चाहते हैं, जिससे पब्लिक अधिक से अधिक लोग आकर के उर्स का लाभ ले सकें। और यहाँ जो हमारे जो कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी मिसाल यहाँ पर यह है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय दिखता है। हमारे प्रभात पट्टन में जितने भी हिंदू और मुस्लिम भाई लोग हैं, उन लोगों की एकता बहुत अच्छी है कि यहाँ पर किसी से भी किसी के कोई द्वेष या किसी प्रकार की बुराई या किसी प्रकार की लड़ाई नहीं है।